आज ना चाहते हुए भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। किस दिनों के लिए भूल जा। दो दो बच्चों के साथ इतना स्टक हो गए रिक्शा, और अभी गाड़ी का भी टेंशन है, पता नहीं गाड़ी सही चल रही है या नहीं चल रही। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और कैसे हो आप सब? कैसे जा रहे हैं आपके लॉकडाउन के दिन सब? एक्चुअली हमें आज ना चाहते हुए भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो हुआ यूं, कल एक कॉल आया, हमें कुछ ऑफिशियल वर्क 3 दिन के अंदर फिनिश करने हैं, तो उसे करने आज निकलना ही पड़ेगा, तो इसलिए बाहर निकलना पड़ रहा है। आगे आगे आपको लेके चलती हूँ कैसे दिन चलता है मेरा आज का। Where are we going? So guys, very good morning. We are going outside today क्योंकि बहुत important work bank का pending है, जो कि almost 2-3 महीने से pending है, and yesterday the bank called and said we need to finish it in 3 days. So we are going out. तो देखते हैं कैसे जाता है। बैंगलोर में हम जिस जोन में रहते हैं इट्स नॉट रेड जोन, सो वी आर अलाउड टू गो, और बैंक जहाँ इट्स ऑल्सो ग्रीन जोन, सो कम्यूट आई होपफुली कोई प्रॉब्लम ना हो बीच में। अगर पुलिस पुलिस पकड़ता है तो ऑब्वियसली वी नीड टू शो देम द रीजन, एंड आई टुक द आईडी प्रूफ एंड ऑल टू शो इट टू देम, बट लेट्स सी। देयर इज अ सेपरेट बस लाइन ना। इट्स नॉट अबाउट द कोई पकड़े ना पकड़े, इट्स अबाउट क्योंकि 2 महीना घर में है ना, और इट्स सच अ बिग स्केयर ऑफ दिस वायरस, इट्स सो फ्राइटनिंग टू गो आउट नाउ विद किड्स। इफ गिवन अ चॉइस आई वुड नॉट टेक देम अलोंग, बट क्योंकि यहाँ कोई नहीं है, मी एंड संदीप ओनली, सो दैट्स व्हाई। सो गाइज, वी आर ऑलरेडी इन द बैंक, वी रीच्ड अबाउट लिटिल बिट अगो, और इतना दिन से 1.5 महीने से गाड़ी नहीं चला है, बोल के आज गाड़ी भी कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो वी आर शिट स्केयर्ड राइट नाउ। तो फिलहाल तो बैंक का काम निपट जाए। आशीष इज हियर कीपिंग हिमसेल्फ एंटरटेन, निम इज देयर ट्राइंग टू कीप हरसेल्फ एंटरटेन, संदीप वेंट अलोन इनसाइड द बैंक राइट नाउ ताकि बच्चों को हजाबा लेके ना जाना पड़े अंदर, तो वो थोड़ा काम फिनिश करके आएगा, तो बाकी जब मेरी जरूरत होगी वी विल ऑल गो टुगेदर। वी आर राइट नाउ वेटिंग इन द पार्किंग लॉट अलोंग विद दिस किड्स। सो गाइस, डन विद द बैंक वर्क, गोइंग होम, होपफुली और आना ना पड़े। नोप। और अभी गाड़ी का भी टेंशन है, पता नहीं गाड़ी सही चल रही है या नहीं चल रही। अकेले रहने से प्रॉब्लम नहीं है, दो दो बच्चों के साथ इंडिया स्टक हो गया, इट्स अ डिजास्टर। फिंगर क्रॉस, देखते देखते ऐसे घर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो गाइस हम घूम के आ चुके हैं, आके जल्दी जल्दी किसी तरह लंच करके, बच्चों को लंच करवा के रेस्ट लिया हमने। तो अभी बज रहे हैं शाम के कुछ 6:30, अभी चाय पीना है, तो चाय बनाने चलते हैं और साथ में देखते हैं क्या स्नैक्स करेंगे। इट्स टाइम टू मेक सम स्नैक्स। निमी रिक्वेस्टेड सम ब्रेड जैम। निमी, डोंट ओपन द जैम बॉक्स येट। निमी, डोंट डू इट, आई टोल्ड यू दैट डे ना। सॉन्ग है ना, व्हाट राइम इज देयर? व्हिच राइम निमी? तो चाय इज रेडी। तो एक्चुअली क्या हुआ, आधा रास्ता, आधा नहीं,
जस्ट हाफ ए किलोमीटर बाकी था, हाफ ए किलोमीटर बाकी था, पहुंचने ही वाले थे। नहीं नहीं वो नहीं, संदीप तो बहुत लेट से बोल रहा है। हाफ ऑफ द वे संदीप स्टार्टेड सेइंग मेरे शायद ब्रेक नहीं लग रहा है, ब्रेक नहीं लग रहा है। मुझे लगा बहुत दिन बाद चला आ रहा है, शायद शू प्रॉब्लम कर रहा होगा, इसको पता नहीं चल रहा है। और अप एंड डाउन भी है बैंगलोर का रास्ता जिस साइड हम गए थे, तो मुझे लगा इसलिए उसको शायद भ्रम हो रहा है। Nope. फिर थोड़ी देर बाद बोला शायद मेरा एक्सीलरेटर नहीं हो रहा है, फिर कुछ और प्रॉब्लम। और फिर जब हाफ एन किलोमीटर बाकी था, एवरीथिंग गॉट रोलर कोस्टर, स्टार्ट ही नहीं ले रहा था, स्टार्ट बंद हो गया, स्टार्ट बंद हो गया। स्टार्ट क्यों बंद होगा, टैंक फुल है, सब कुछ सही है, बैटरी भी चार्ज था। समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ क्या हुआ। फिर हम सोचा कि बैंक आए हैं तो पहले तो बैंक का काम निपटा लेते हैं, वहीं पे जहाँ पे वहीं पे पार्क करके हमने सोचा कि पैदल जाएंगे। हाँ मैं भी वही बोल रही थी कि बैंक पास में ही है, दो गली छोड़ के ही बैंक था, तो मैं संदीप को बोल रही थी चलो वहीं पे पार्क करते हैं, पहले बैंक चले आते हैं। और अभी तक ओला उबर बैंगलोर में स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि अपेरेंटली स्टिल इन रेड जोन, तो आप निकल सकते हो ज़रूरी काम करने के लिए, पर जो कुछ कुछ सर्विसेज हैं वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो ओला उबर भी नहीं चल रहा है। हमारे साथ दो बच्चे भी हैं और गाड़ी ऐसे गई और आशी चिड़ा हुआ है, एक्चुअली इसमें टीदिंग हो रहा है इसलिए चिड़ा हुआ है, उसका गम्स पूरे रेड होके फुले हुए हैं। बाकी बातें थोड़ी तो बात करते हैं, उसको सुला देती हूँ और चाय पी लेती हूँ। हाई गाइज गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। कल मैंने लास्ट पूजा लिया था जब हम चाय पी रहे थे। आश्रित वॉज बिट क्रैंकी द होल इवनिंग टिल द नाइट क्योंकि ही इज़ टीदिंग, तो उसको गम में बहुत इरीटेशन हो रही है, तो इसीलिए बिजी विथ हिम। आज सुबह से भी काम वाम सब हो गया है, बिजी विथ हिम ऑल्सो अगेन बिकॉज ही इज़ नॉट इन दिस बेस्ट मूड। तो जैसे मैं बता रही थी कल एक्चुअली क्या हुआ था, क्योंकि हमने गाड़ी इतने टाइम से नहीं निकाली थी, आधे रास्ते पहुंचने से आधा रास्ता ऑलमोस्ट चला गया था, बस डेस्टिनेशन पहुंचने के 15 मिनट पहले पहले द गाड़ी द इंजन स्टार्टेड बिहेविंग सो वियर्ड, स्टार्ट बंद हो जा रहा था, एक्सीलरेटर काम नहीं कर रहा था, ब्रेक काम नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था हमने सोचा गया। और गाइस आई वाज सेइंग संदीप आया था तो मुझे उठना पड़ा, बाजार लेके आया था संदीप तो मुझे उठना पड़ा। तो एज आई वाज सेइंग गाड़ी बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था और एक पॉइंट में लिटरली गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रहा था, तो वी वेटेड देयर फॉर सम टाइम। इवन एक पॉइंट में ख्याल आया क्योंकि बैंक वॉज वेरी नियर, ओनली 10 मिनट्स अवे होगा, तो वी वर थिंकिंग गाड़ी को वहीं छोड़ के बैंक का काम पूरा कर लेते हैं पहले, बट थैंकफुली संदीप जब स्टार्ट करते रहा तो गाड़ी अपने आप ठीक होने लगा। एज पर संदीप कुछ वैक्यूम स्पेस पड़ गया होगा क्योंकि इतना दिन गाड़ी नहीं चला है, तो इंजन ऑयल के साथ कहीं वैक्यूम आ गया होगा इसीलिए गाड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। तो उसके बाद गाड़ी अच्छे से चली, रिटर्न आते टाइम भी बैंक से वी केम क्वाइट नॉर्मली, गाड़ी एक्सीलरेटर ब्रेक कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। सो दोज यू हैव कार्स और स्कूटर्स प्लीज़ भाई मेंटेन करो, बीच में जाके थोड़ी देर 10 मिनट एटलीस्ट चला के रख दो ताकि बैटरी और इंजन थोड़ा वर्कआउट करें। हम भी कर रहे थे बट इतना देर नहीं, बस जाके थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए बस स्टार्ट करके रख दे रहे थे ताकि इंजन थोड़ा फंक्शन करता रहे, बट थोड़ी देर लॉन्ग और करने से बेटर होता हमारे लिए। तो दैट वॉज द व्लॉग जो कि कल से स्टार्ट हुआ था, आज एंड कर रही हूँ और बहुत लंबा भी खींच रही हूँ, तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलूंगी आपसे फिर से एक नए व्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ एट होम एंड अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय। हाँ दो सही ना।